लखनऊ पुलिस की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो किसी आम को नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों को ही आईजी बनकर धमकाता था। आईजी लखनऊ को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सुनील कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। नाम का एक व्यक्ति जो कि संत कबीर नगर जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा आईजी लखनऊ साहब के नाम पर विभिन्न अधिकारियों को फोन करके धमकाया जाता था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में करीब 7 मुकदमे दर्ज है। आईजी महोदय के निर्देशानुसार लखनऊ की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। इसने इस बात को कबूला, इसके पास से जिस मोबाइल से फोन करता था पुलिस ने, उस मोबाइल को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। रायबरेली की टीम आ गई है, उसको इस अपराधी को सुपुर्द किया जा रहा है। यूपी सरकार और पुलिस महकमा भले ही कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने के तमाम दावे करते हों, लेकिन इन दिनों जो हालात हैं वो सच्चाई खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। सुबह की राजधानी लखनऊ के केसरबाग इलाके में दिन दहाड़े बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर घर में मौजूद महिलाओं को जान से मारने की कोशिश की और मौके से फरार हो गए।